सो हे गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि साल के पहले ही दिनों में हम लोग जा रहे हैं घूमने। और पीछे आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, ये है हमारी बस। वैसे तो हम लोग कल जाने वाले थे, पर बहुत ज़ोरों की बारिश के हिसाब से हम लोग की ट्रिप आज के लिए पोस्टपोन हो गई। और ये पीछे देखिए, ये हमारी बस है, ठीक है। और अंदर सब लोग बैठे हैं, और अभी बस यहीं से हम लोग, ये रेलवे का एरिया आपको दिख ही रहा होगा, अब यहाँ से हम लोग हो रहे हैं रवाना। कहाँ जाना है, क्या क्या प्लान है, ये सब आपको जल्दी ही पता चलेगा, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। एक जगह पे, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब सब नाश्ते वाश्ते सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि सब लोग घर से बिना खाए आए थे। तो ये रही नाश्ते की प्लेट, इसमें ये देखिए समोसा और आलू बुंदा है, और जो कि मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए ये घर से मैगी बना के ले आई है। और मैं बहुत दिन बाद ठंडी ठंडी स्कूल वाली टाइप की मैगी खाऊंगी। तो हमारी सवारी अभी मथुरा द्वीप के लिए निकल चुकी है। इसमें आप सभी का स्वागत है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी ये मरकुरी बाग है। तो ये देखिए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा द्वीप। तो ये मेरे पीछे जो है, यहाँ है मथुरा द्वीप, और इधर पूरे खाना वाना बनाने का एरिया जहाँ पे हम लोग बनाएंगे। और ये थी हम लोग की बस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। और ये फिर से उन्हीं लोग आ गए जो लोग रतनपुर ब्लॉग में भी सामने सामने कर रहा था। और एक कैमरामैन वैभव सेन के साथ रिपोर्टर स्तुति डोंडकर आपके सामने आज तक। सीताराम मथुरा द्वीप में सीताराम सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सबास आ रही बरात, करना इंकार बार बार देना साथ। जय ग्राम मसाले वाली चाय।
यस अभी आप हम लोग मटकू दीप अभी हम लोग मटकू दीप में पहुंच गए हैं और नौका विहार जो शिवनाथ नदी का आनंद ले रहे हैं नौका विहार करते हुए हमारी और लोग जो हमारी एक पार्टी है सामने गई है ये देखिए इन लोग इस साइड है हम लोग से आगे है हाँ। और हम लोग अभी थोड़े पीछे क्योंकि हम लोग के एक ही भैया है नाव चलाने वाले नहीं, नहीं, हमारे भाई साहब भी नाव चला रहे हैं हम तो उड़ गए उड़ गए उड़ गए तो यहाँ होती है हमारी जर्नी बोट वाली खत्म और अब हम लोग उतर रहे हैं गाइस ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि पांडु ऋषि जो थे ठीक है उन्होंने यहाँ बैठ के तपस्या की थी तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर साथ ही यहाँ जो कुछ कुछ ऐसे मंदिर है वो खुद से अंदर से निकले हैं तो उसे भी हम देखेंगे तो चलिए अब अंदर चलते हैं तो ये देखिए ये जो आप मेरे पीछे सारे मंदिर देख रहे हैं ये सारे मंदिरों का जो द्वार है वो इस तरफ खुल रहे हैं मतलब मेरे साइड पर इनमें से जो एक मंदिर है आइए मैं आपको दिखाती हूँ जो ये वाला जो मंदिर है इसका द्वार देखिए ये उस साइड खुल रहा है तो ये यहाँ की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है ऐसा भी नहीं कि इसको इन मंदिरों को यहाँ ला कर रखा गया है ये शुरू से ही ऐसे ही यहाँ से निकले तो ये बहुत ही ये बात है अच्छी बात है और ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे कुछ प्रवचन वगैरह चल रहा है सो गाइस मेरे घर वाले सब लोग मंदिर वंदिर उस साइड घूम रहे हैं जो कि हम लोग घूम के आ चुके हैं और अब आप सोच रहे होंगे खाना कैसे बन रहा है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि खाना कौन बना रहा है तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का खाना बन रहा है और ये दीदी और ये वाली दीदी इन दोनों खाना बना रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे अब पूरा खाना वाना रेडी हो गया है तो चलिए अपन पूछते हैं सब लोग से कि खाना बना कैसा बढ़िया कैसा बना खाना बढ़िया बढ़िया मस्त वाला खाना इतना बढ़िया बना है क्या क्या है खाने में खाने में पूरी है छोले आलू सब्जी है लड्डू है है सलाद है पकौड़े है लड्डू भी है अचार भी है ठीक है की सभी जुबान है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है सो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं वो नजारा जो हम लोग ऊपर से अभी तक देख रहे थे तो ये देखिए इस साइड पानी और ये हम लोग बीच से जा रहे हैं और ये हमारी बस ये देखिए यहाँ पानी का मैं प्रभाव दिखाती हूँ आपको ये देखिए कितने जोरों से इसकी स्पीड है Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob.
ऑल राइट सो गाइस, अभी बज रहे हैं 7 और फाइनली अब हम लोग जाके घर पहुंचे हैं। ये देखिए अभी जस्ट यहाँ सब सामान वगैरह रखा हुआ है। तो हम लोग की जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मजा आया हम सबको। और सो दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।